टी20 विश्व कप 2024 की शुरुआत से पहले टीम इंडिया एकलौता वार्म अप मैच बांग्लादेश के खिलाफ खेलेगी। यह मैच न्यूयॉर्क के नासाउ काउंटी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। ये वही मैदान है जहां टीम इंडिया शुरुआती तीन लीग मैच आयरलैंड, पाकिस्तान और यूएसए के खिलाफ खेलेगी। बांग्लादेश के खिलाफ खेले जाने वाला वार्म अप मैच टीम इंडिया के लिए सभी गलतियां सुधारने का आखिरी मौका होगा। भारतीय समय के अनुसार मैच की शुरुआत 1 मई शनिवार को रात 8 बजे से होगी। भारतीय खिलाड़ियों ने पिछले करीब 2 महीनों तक एक दूसरे के खिलाफ आईपीएल में जलवा बिखेरा, लेकिन अब वक्त आ गया है कि सभी खिलाड़ी एकजुट होकर टीम इंडिया के लिए परफॉर्मेंस दें। बता दें कि विराट कोहली बांग्लादेश के खिलाफ खेले जाने वाले वार्म अप मैच का हिस्सा नहीं होंगे। दरअसल विराट कोहली वार्म अप मुकाबले से सिर्फ 1 दिन पहले ही न्यूयॉर्क पहुंचे हैं। उन्होंने न्यूयॉर्क पहुंचने के लिए 16 घंटे की लंबी फ्लाइट ली। ऐसे में थकान को मद्देनजर रखते हुए कोहली वार्म अप मैच मिस कर सकती है। टीम इंडिया के ज्यादातर खिलाड़ी आईपीएल के बीच में ही न्यूयॉर्क पहुंच गए थे। विश्व कप के लिए टीम इंडिया के पहले बैच ने 25 मई को उड़ान भरी थी। इसके बाद दूसरा बैच 28 मई को पहुंचा था। हालांकि कोहली टीम इंडिया के साथ नहीं आए थे। हार्दिक पांड्या ने हाल ही में गुजरे आईपीएल 2024 में मुंबई इंडियंस की कप्तानी की थी। मुंबई का कप्तान बनने के बाद हार्दिक के फैंस को आलोचना का शिकार बनना पड़ा था। हार्दिक की कप्तानी में मुंबई ने बेहद ही खराब प्रदर्शन किया और टीम पॉइंट टेबल में सबसे नीचे यानी 10वें पायदान पर रही थी। इसके अलावा हार्दिक गेंद और बल्ले से भी कुछ खास प्रदर्शन नहीं कर पाए थे। ऐसे में हार्दिक पांड्या के प्रदर्शन पर सभी की नजरें होंगी। हार्दिक टूर्नामेंट में टीम इंडिया के उप कप्तान भी हैं। बात करें अगर टीम के कप्तान रोहित शर्मा की, तो उनका भी इस आईपीएल में प्रदर्शन कोई खास नहीं रहा। एक शतक के अलावा उनकी कोई भी बड़ी पारी सामने नहीं आती। टीम इंडिया के दूसरे ओपनर यशस्वी जायसवाल अच्छी फॉर्म में नजर आए। उन्होंने कुछ उम्दा पारियां खेली और एक शतक भी जमाया। उम्मीद है कि टीम इंडिया के लिए नंबर 3 पर विराट कोहली ही बल्लेबाजी करेंगे। वो ऑरेंज कैप के विजेता रहे हैं और इस आईपीएल में सबसे ज्यादा रन विराट कोहली के बल्ले से ही निकले हैं। नंबर 4 पर सूर्य कुमार यादव नजर आ सकते हैं, जिनका फॉर्म आईपीएल में खासा अच्छा रहा है। नंबर 5 के लिए ऋषभ पंत या संजू सैमसन में से किसी एक का चुनाव किया जाएगा। हालांकि संजू सैमसन की टीम प्लेऑफ में पहुंची थी और ऋषभ पंत की टीम पहले ही बाहर हो चुकी थी, लेकिन दोनों का ही प्रदर्शन मिला जुला रहा था। जहां संजू सैमसन ने अपनी बेहतरीन लीडरशिप से टीम को प्लेऑफ में पहुंचाया, वहीं ऋषभ पंत ने अपनी जारहाना बल्लेबाजी से सबको प्रभावित किया था। हार्दिक पांड्या का प्रदर्शन के बारे में हम पहले ही बता चुके हैं, लेकिन नंबर 7 पर शिवम दुबे की भी जगह बन सकती है। हालांकि रविंद्र जडेजा एक प्रबल दावेदार माने जा रहे हैं और चेन्नई के लिए उनका प्रदर्शन भी गेंद और बल्ले से खासा प्रभावित करने वाला था। नंबर 8 और 9 पर दो स्पिनर्स की एंट्री हो सकती है। कुलचा एक बार फिर से नजर आ सकते हैं, यानी कुलदीप यादव और युजवेंद्र चहल, जिन दोनों ने ही आईपीएल में बहुत ही कमाल का प्रदर्शन किया। बात अगर तेज गेंदबाजी की जाए तो भारत सिर्फ 3 तेज गेंदबाजों के साथ उतरा है, अर्शदीप सिंह, मोहम्मद सिराज और जसप्रीत बुमराह। एक्सपर्ट्स की माने जाए तो शुरुआती मैचों में बुमराह और अर्शदीप ही गेंदबाजी डालते हुए नजर आ सकती है, लेकिन ये सब कुछ डिपेंड करेगा कि कंडीशंस और पिच कैसी है। भारत अपना पहला मैच 5 जून को खेलेगा।